नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। हाथरस कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सूबे की योगी सरकार ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की गई है। जिले के एसपी, एसएसपी और संबंधित थाने में इंस्पेक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने आरोपियों के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर योगी सरकार ने गुनहगारों के खिलाफ नकेल कस दी है। इतना सब करने के बाद भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। विपक्ष को पीड़िता को न्याय दिलाने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसे योगी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काकर अपनी खिसक चुकी राजनीति को वापस हासिल करने की है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस केस से जुड़े ऐसे ऑडियो और वीडियो टेप सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दंगा भड़काने की साजिश का भी खुलासा हुआ है। दिल्ली से हाथरस जाते हुए चार पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद अब मामले का जामिया यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया है। अब कांग्रेस के अंदर ही इस केस को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। पार्टी नेता आपस में ही मारपीट पर उतारू हो गए हैं। महाराष्ट्र में इसका नमूना देखने को मिला। मुंबई के वसोई में हाथरस केस को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था। कांग्रेसी कार्यकर्ता क्रेडिट लेने की होड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने में जुटे थे। देखते ही देखते कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और जमकर लात घूंसे बरसाने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे आपस में लड़ रहे हैं। कोई किसी का कॉलर पकड़कर मार रहा है तो कोई घूंसा लात चला रहा है। वहीं कुछ लोग एक दूसरे को छुड़ाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चप्पल जूते इस बात को लेकर चले कि बैनर कौन पकड़ेगा, कौन आगे रहेगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ज्योति खड़े नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने यहां तक लिख दिया कि पप्पू के कार्यकर्ता पप्पू को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था। यहां योगी सरकार का विरोध करते करते कांग्रेस और भीम आर्मी वाले आपस में ही झगड़ पड़े थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। आपको बता दें कि भीम आर्मी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करनी भी शुरू कर दी थी। इसी के कारण दोनों दलों में जमकर झड़प हुई। प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए। वहीं दूसरी ओर से भीम आर्मी पर भी उन्होंने हमला बोल दिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।